दोस्तों, प्यारे भाइयों, मेरे छोटे और प्यारी बहनों, आप सबके बीच पुनः मैं एक बार फिर आज से उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले लगातार यूपी स्पेशल की 8 कक्षाएं आपको दी जा चुकी हैं। आज ही मेरी 9वीं क्लास है। लगातार मैं निरंतरता बना के आपकी सेवा में उपस्थित हो रहा हूँ। जिस तरह आप लोग सहयोग दे रहे हैं, मैं उससे बहुत ही आह्लादित हूँ। आपको पता होगा कि लेखपाल भर्ती परीक्षा जो कि एकदम पंक्ति में है, UPPCS उसके बाद होने वाली है। उत्तर प्रदेश की समस्त परीक्षाओं के लिए मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक बहुत बड़ा भाग जो परीक्षा में पूछा जाता है वो लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए लगातार और ऐसा मैटर लेके आ रहा हूँ कि आप कहीं में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप वीडियो को एक बार देखिए, सरसरी निगाह से दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स को एक बार देखिए, जिंदगी में दोबारा यूपी स्पेशल आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। समय ज़्यादा ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं अधिकतर चीज़ों को पहले से लिख लेता हूँ कि वीडियो थोड़ी और छोटी तथा एकदम उद्देश्य परक वीडियो बने, इतने में कि आपका काम हो जाए। तो मैंने इसके पहले आपको उत्तर प्रदेश का एक परिचय बताया, फिर उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन बताया, उत्तर प्रदेश की जलवायु बताई, उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र बताया। अब हम जानेंगे उत्तर प्रदेश में परिवहन कैसे होता है, कैसे लोग एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। परिवहन का सीधा अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह का आवागमन। आपको इलाहाबाद से फिरोजाबाद जाना है, कानपुर से लखनऊ जाना है, कैसे आप जाएंगे, कौन कौन से मार्ग हैं उत्तर प्रदेश में, कौन कौन से मार्ग हैं जाने के, ये मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। तो आज की क्लास को मैं शुरू करने चल रहा हूँ। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, मेरा पढ़ाया मटर आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर हमको बताइए। एक बार कुछ अगर सुधार की हो सकता है मैं उसको ज़रूर करूँगा। तो इसी क्रम में आप देखेंगे आपका मैंने क्या लिखा है, क्लास 9 यूपी स्पेशल, टॉपिक उत्तर प्रदेश का परिवहन। तो उत्तर प्रदेश में परिवहन कैसा है, कैसे लोग एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, तो ध्यान देंगे, एकदम कंसंट्रेट होके कॉपी पेन लेके बैठेंगे साथ में और देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो परिवहन है इसको दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, दो भागों में। जो पहला भाग है इसको बोलते हैं प्राथमिक परिवहन, क्या बोलते हैं, प्राथमिक परिवहन। और दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक परिवहन, क्या बोलते हैं, द्वितीयक परिवहन, या इसी को गौड़ भी बोलते हैं, गौड़ परिवहन। प्राथमिक, द्वितीयक और गौड़ क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपको खाने में सबसे ज़्यादा जो है वो भिंडी पसंद है, क्या पसंद है, भिंडी पसंद है, भिंडी मुझको ही बहुत पसंद है, तो भिंडी आपको पसंद है, आपने घर में कहा कि मेरी पहली पसंद है कि आप भिंडी बनाएंगे, घर वालों ने कहा बेटा भिंडी नहीं है, तो आपने कहा भिंडी नहीं है तो मैं लौकी खा लूँगा, तो घर वालों ने कहा ठीक है लौकी बन जाएगी। तो भिंडी आपकी पहली यानी प्राथमिक पसंद हो गई और दूसरी आपकी द्वितीयक यानी कम महत्व वाली कौन सी हो गई, लौकी। तो जो सर्वाधिक महत्व वाली हो उसको हम प्राथमिक बोलेंगे, इसका महत्व उससे थोड़ा कम हो, जो उससे कम यूजफुल हो उसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक और गौड़। तो देखो प्राथमिक परिवहन और द्वितीयक परिवहन, प्राथमिक परिवहन में हमारे यहाँ जो आता है उसमें तीन चीजें, पहला सड़क परिवहन, कौन सा परिवहन, सड़क परिवहन, उसके बाद रेल परिवहन, कौन सा, रेल परिवहन, और तीसरा वायु परिवहन, कौन सा, वायु परिवहन। यानी प्राथमिक परिवहन तीन तरीके के हमारे हैं, कौन कौन से, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। आप याद रखेंगे ये सड़क परिवहन है उत्तर प्रदेश का, ये पूरे परिवहन का लगभग 70% हिस्सा ये खुद कवर करता है। यानी जितने भी हमारे यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के जो माध्यम है हमारे उत्तर प्रदेश में, उसमें सर्वाधिक बड़ा माध्यम कौन सा है, सड़क है। लगभग 70% हिस्सा यात्रा करने का कौन भाग, कौन हेल्प करता है, तो सड़क करती है। ध्यान देंगे द्वितीयक परिवहन की श्रेणी में जो आता है उसका नाम है जल परिवहन, क्या नाम है उसका, जल परिवहन। यानी सबसे कम, सबसे न्यून जो माध्यम है उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने का, उसका नाम है जल परिवहन। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न में से क्या है, कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यातायात के लिए कौन सा माध्यम प्रयोग होता है, आप कहेंगे सड़क परिवहन, क्या कहेंगे आप, सड़क परिवहन। तो ध्यान देंगे सड़क परिवहन यहाँ से, उसके बाद आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, सड़क परिवहन। आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सड़क परिवहन के बारे में, सड़क परिवहन के बारे में। तो ध्यान देंगे
जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, उस समय हमारे भारत देश में लगभग 15,000 भारत देश के उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम यूपी स्तर की बात कर रहे हैं, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 15,000 किलोमीटर सड़की थी। कितनी थी? 15,000 किलोमीटर। एग्जैक्ट एकदम जाएंगे तो 15,113 किलोमीटर सड़कें थी। कब? जब हमारा भारत क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था प्रारंभ में। और आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ लगभग 253,000 किलोमीटर, यानी 253,133 किलोमीटर सड़कें हमारे यहाँ हैं। कब? आज। ध्यान देंगे, ये आंकड़ा जो आज वाला है ये आंकड़ा लगातार बदलता रहता है। आपको पता होगा सड़कों का निर्माण लगातार हो रहा है, तो ये आंकड़ा लगातार परिवर्तित होता रहता है। मैं ये जो आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, यह आंकड़ा जो है वर्तमान से थोड़ा पहले का है, आज से थोड़ा पहले का है। तो आप जब भी अपनी नोटबुक को अपडेट करेंगे इस टॉपिक को, आप क्या करेंगे, गूगल नेट के माध्यम से अपडेट करेंगे कि आज हमारे यहाँ कितनी सड़कें हैं। तो पहला पॉइंट क्या, आज़ाद भारत के उत्तर प्रदेश में 15,000 किलोमीटर सड़कें थी लगभग, आज 253,000 किलोमीटर सड़कें हैं लगभग। जैसे आपको पता होगा एक शब्द होता है NH, क्या होता है? NH, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे, यानी नेशनल हाईवे। हमारे पूरे भारत में कितने नेशनल हाईवे हैं ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल याद रखेंगे नेशनल हाईवे नंबर 7, नेशनल हाईवे नंबर 7 जो है ये पूरे भारत का सबसे लंबा हाईवे है। नेशनल हाईवे 7 पूरे भारत का, कहाँ का? भारत का सबसे लंबा हाईवे है। और नेशनल हाईवे नंबर 2 ये यूपी में इस सर्वाधिक लंबाई तय करता है। उत्तर प्रदेश में कई सारे हाईवे हैं, कई हाईवे ऐसे हैं जो किसी दूसरे प्रदेश से शुरू होकर के दूसरे प्रदेश तक जाते हैं, बीच में यूपी भी आता है। नेशनल हाईवे 2 जो है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा इसका विस्तार है। ये नेशनल हाईवे नंबर 2 जो है ये सबसे लंबे रूप से विकसित है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ध्यान देंगे नेशनल हाईवे नंबर 2 उत्तर प्रदेश में का सर्वाधिक लंबा हाईवे है। और कितना है ये? ये है 756 किलोमीटर। कितना? 756 किलोमीटर। यानी उत्तर प्रदेश में जितने हाईवे हैं उसमें से जो सबसे लंबा हाईवे है वो कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 2, 756 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट आंकड़ा है और यह आंकड़ा परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे ये नेशनल हाईवे नंबर 2 कहाँ कहाँ से जाता है? मथुरा, आगरा, टुंडला, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज और वाराणसी। ये उत्तर प्रदेश के इतने मेजर शहरों से होकर के गुजरता है। कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 2। ध्यान देंगे फिर से एक बार किन किन शहरों से? मथुरा, आगरा, टुंडला, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद और वाराणसी। जबकि ये हाईवे, इस हाईवे की शुरुआत होती है दिल्ली से। कहाँ शुरू होती है? दिल्ली से। दिल्ली से यूपी में प्रवेश करता है मथुरा में, और वाराणसी के बाद एक जगह है पश्चिम बंगाल। कौन सी? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल तक जाता है नेशनल हाईवे नंबर 2। आप क्या रखेंगे उत्तर प्रदेश के इतने शहरों से ये गुजरता है। परीक्षा में कई बार इनके अलावा एक शहर का नाम उसे आपको दिया जाएगा। निम्न में से नेशनल हाईवे नंबर 2 कहाँ से नहीं गुजरता है? पहला ऑप्शन रहेगा फिरोजाबाद, दूसरा टुंडला, तीसरा प्रयागराज और चौथा लखनऊ। तो आप किसको आंसर मानेंगे? लखनऊ को। लखनऊ से ये नहीं गुजरता है। ये इतनी बात थी, ध्यान देंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश के परिवहन को 2 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन, और द्वितीयक में क्या आता है? जल परिवहन। इसमें भी सड़क परिवहन 77% हिस्सा क्या करता है? कवर करता है। साथ ही जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ाद भारत के उत्तर प्रदेश में लगभग 15,000 किलोमीटर सड़कें थी। कितनी थी? 15,113 किलोमीटर सड़कें थी। आज वर्तमान में लगभग 253,000 किलोमीटर सड़कें हैं। ये आंकड़ा निरंतर बदलता रहता है, तो आप खुद को अपडेट करते रहेंगे। फिर भी नेशनल हाईवे नंबर 2 उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा हाईवे है, जो कि दिल्ली से शुरू होता है और पश्चिम बंगाल तक जाता है। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, टुंडला, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद और वाराणसी से होकर के जाता है। ये परिचय था आपको। यहीं से 2 से 3
क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मिल गए होंगे। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के सड़क परिवहन से परिचित कराऊंगा, आपको एक नॉलेज दूंगा। आप देख रहे हैं जिस तरह लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, हताशा का माहौल है चारों तरफ। कैसा माहौल है? हताशा का माहौल है। प्रत्येक विद्यार्थी लगभग हताश हो चुका है, तो आपको हताश नहीं होना है, आपको हमारे साथ क्या करना है, जुड़ के काम करना है। तो आप जानेंगे सड़क परिवहन क्या होता है, तो हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश का सड़क परिवहन। तो देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम क्या पढ़ेंगे हम? ऐसे सड़कों का निगमन कौन करता है, देख रेख कौन करता है, तो एक निगम है। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। ये क्या करता है? हमारे सड़कों की क्या करता है? देखभाल करता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। पूरा सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसका नाम है, ये जो है इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी आएंगी? पहली बात, इसका जो आज का ये नाम है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इसका पहले ये नाम नहीं था, इसका पहले कुछ और नाम था। इसका नाम अब चेंज किया गया है। इसका नाम चेंज किया गया, उसके पहले इसका क्या नाम था ये हम जानेंगे। इसका नाम था पहले उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज। क्या नाम था? उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज सेवा। ध्यान देंगे हम पढ़ क्या रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, जिसका पहले का क्या नाम था? उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज सेवा। तो ध्यान देंगे पहले ये नाम था, फिर एक जून 1972 को इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जो आज की स्थिति में है, इसका 1 जून 1972 के पहले क्या नाम था? उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज सेवा। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज सेवा। ध्यान देंगे इस उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम या उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज बस सेवा ने जो अपनी पहली सेवा दी थी, जो इसकी पहली बस चली थी, वो चली थी लखनऊ से बाराबंकी तक। यानी इसकी पहली सेवा जो थी वो क्या थी? पहली सेवा क्या थी? लखनऊ से बाराबंकी। एक शहर है बाराबंकी, एक शहर है लखनऊ। तो इस उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम की जो पहली बस चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आप कहेंगे लखनऊ से चली थी, और ये कहाँ तक चली थी? बाराबंकी तक चली थी। फिर अगला टॉपिक, अगला मुख्य बिंदु कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? क्या मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय होता है लखनऊ में। कहाँ होता है? लखनऊ में। या ध्यान देंगे फिर से एक बार आएंगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम आज जो अस्तित्व में है, इसका प्राचीन नाम क्या था? उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज सेवा। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज सेवा, इसका नाम परिवर्तित कब किया गया? 1 जून 1972 को क्या किया गया? इसका नाम परिवर्तन कब किया गया? 1 जून 1972 को इस रोडवेज सेवा ने, इस परिवहन ने पहली सेवा कहां से कहां तक दी थी? तो लखनऊ से बाराबंकी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा कहां से कहां तक चली थी, तो लखनऊ से लेकर के बाराबंकी तक। और हमारे राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहां है? तो आप कहेंगे लखनऊ में है। एक चीज ध्यान रखेंगे, इसका मुख्यालय लखनऊ में है, लेकिन इसका प्रशिक्षण केंद्र क्या? प्रशिक्षण केंद्र कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में। प्रशिक्षण केंद्र क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई भर्ती निकलती है, और उस भर्ती के माध्यम से हमारे यहाँ कुछ
रोडवेज के चालक या कंडक्टर या कोई कर्मचारी भर्ती होता है उसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, तो मुख्यालय लखनऊ में न होकर उसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, कानपुर में होती है। प्रशिक्षण केंद्र हो गया। साथ ही ध्यान देंगे हमारे यहाँ कुल रोडवेज के 106 डिपो हैं। क्या है? 106 डिपो हैं। डिपो क्या होता है? एक सेंटर जहाँ से बसें चलती हैं। तो कुल 106 डिपो हमारे यहाँ हैं और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? कानपुर में। यहाँ रखेंगे सारे रोडवेज तंत्र को, हमारे सारे रोडवेज तंत्र को 20 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 20 भागों में या 20 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्रों में? 20 क्षेत्रों में। यानी समस्त रोडवेज तंत्र को, पूरे रोडवेज सिस्टम को 20 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और इन 20 क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम होता है DRL। क्या होता है? DRL। तो कोई पूछेगा हमारे रोडवेज की निगरानी कौन करता है, तो आप कहेंगे एक इसका नियंत्रक मंडल है, एक नियंत्रण मंडल, इसका नाम क्या है? DRL। रोडवेज में कुल कितने क्षेत्र में विभाजित है? तो 20 क्षेत्रों में विभाजित है। कुल कितने डिपो हैं? 106 डिपो हैं। प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? कानपुर में है। मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। पहली सेवा कहाँ से कहाँ तक चली थी? लखनऊ से बाराबंकी तक। नाम कब बदला गया? 1 जून 1972 को। पहले का नाम क्या था? उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज सेवा। ये इसका पूर्व नाम था। कौन सा नाम था? पूर्व नाम था। और इसका वर्तमान का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। तो ये राज्य सड़क परिवहन निगम का एक परिचय था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक विद्यार्थी ने मुझसे कहा था सर आप स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देते हैं, तो मैं हट गया हूँ। आप लोग इसका बकायदा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब देखेंगे ये टॉपिक था। इसके बाद अब हम क्या जानेंगे कि हमारे यहाँ जो बसें हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा चलाई जाती हैं। अब हम ये जानेंगे कौन कौन सी प्रमुख ऐसी बसें हैं जो ये चलाता है परिवहन निगम। क्या जाना हमने? हमारे यहाँ प्रमुख रूप से जो बसें चलाई जाती हैं उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम द्वारा, रोडवेज बसें जो चलाई जाती हैं निगम द्वारा चलाई जाती हैं। अब जानेंगे ये निगम कितने प्रकार की बसों को चलाता है। निगम मतलब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। तो मैं इतना लंबा ना लिख के मैं निगम लिखूंगा और आप समझेंगे निगम मतलब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। तो देखेंगे अगला टॉपिक क्या है। निगम द्वारा चलाई जाने वाली बस सेवा। निगम द्वारा चलाई जाने वाली बस सेवा यानी ये जो निगम है ये कौन कौन सी बसें चलाता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बसों के प्रकार को चलाता है। हम देखेंगे पहली जो इसकी प्रसिद्ध बस सेवा है उसका नाम है जनरथ सेवा। क्या नाम है? जनरथ सेवा। क्या नाम है? जनरथ सेवा। हम देखेंगे जनरथ सेवा क्या है। जनरथ सेवा एक एसी बस सेवा है। कैसी बस सेवा है? एसी बस सेवा है, वातानुकूलित बस सेवा है। प्रारंभ में जो एसी बसें चलती थी उनका किराया बहुत महंगा होता था, उसमें सुविधाएं बहुत होती थी। सरकार ने थोड़ा सुविधाओं को कम करके बसों को एसी बना करके जनरथ सेवा की शुरुआत की। जनरथ सेवा एक एसी बस सेवा है। जो रोडवेज की बसें थी उनको कांच से पूर्णतः पैक किया गया और उसमें एसी लगा दी गई। तो जनरथ सेवा कैसी सेवा है? ये पूर्णतः एसी बस सेवा है। तो ध्यान देंगे इसके बारे में ये कैसी सेवा है? एसी बस सेवा है। दूसरा ये चलती कहाँ से कहाँ तक है, इसका संचालन कहाँ किया जाता है। हर जिले का एक मुख्यालय होता है। जैसे इलाहाबाद का मुख्यालय क्या है? इलाहाबाद। प्रयागराज का क्या है? वो प्रतापगढ़ का मुख्यालय प्रतापगढ़। वैसे ही जो लखनऊ है हमारे प्रदेश की राजधानी है, प्रदेश की राजधानी से अन्य जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए जनरथ सेवा को चलाया गया था। तो आप क्या कहेंगे? कोई पूछेगा जनरथ बस सेवा क्यों चलाई गई, आप कहेंगे लखनऊ से अन्य जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए। इस बस का संचालन क्यों किया जाता है? इसका संचालन किया जाता है लखनऊ से अन्य जिला मुख्यालय। दो बात इसमें लिख करके, कौन कौन सी?
यह एक एसी बस सेवा है। दूसरा, यह लखनऊ से अन्य जिला मुख्यालयों तक चलाई जाती है। हम देखेंगे दूसरी बस सेवा जिसका नाम है लोहिया लोहिया ग्रामीण बस सेवा। अब आज के बाद आपके सामने से कोई बस निकलेगी सरकारी रोडवेज बस, तो आप उसको देखेंगे और तुरंत पहचानेंगे कि वो बस कौन सी है, जनरत है कि लोहिया ग्रामीण है, या आगे मैं जो बताने चल रहा हूँ महानगरी वो है। तो लोहिया ग्रामीण बस सेवा जो है, इसकी खास बात क्या है, पहली खास बात क्या है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जाती है। कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जाती है। और दूसरा, इसका किराया सस्ता है। इसका किराया क्या है? सस्ता है। कितना है? लगभग 25% कम है। क्या है? ये कम है। ऐसे बना दिए मतलब कम, ऐसे बना दिए मतलब ज़्यादा। तो ध्यान देंगे खासतौर पर ग्रामीण लोहिया ग्रामीण बस सेवा क्यों चलाई गई, यह ग्रामीण क्षेत्रों के परिवहन को सुधारने के लिए। गांव में क्या होता था, आदमी को बहुत दूर आके, तब से मान लो कोई ग्रामीण का है, पहले 40 किलोमीटर तो तक कहाँ आता था, अपने जिले के मुख्यालय तक, वहाँ से बस पकड़ता। जैसे मान लीजिए मैं प्रतापगढ़ जनपद का हूँ, मेरा घर प्रतापगढ़ के मुख्यालय से 40 किलोमीटर है, तो मैं पहले वो 40 किलोमीटर आऊँगा अपने जिला मुख्यालय पर, फिर वहाँ से मैं बस पकड़े कहीं जा सकता हूँ। तो इस दूरी को कम करने के लिए एक बस चलाई गई, कौन सी? लोहिया ग्रामीण बस सेवा। यह पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सस्ती और सुलभ सेवा प्रदान करना। इसका किराया अन्य किरायों से सस्ता है। कितना? 25%। जैसे आप किसी सरकारी अन्य बस से यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ से मान लो कोई दूरी है, वहाँ आपको 100 रुपये किराया लगता है, तो आप अगर लोहिया ग्रामीण बस सेवा से जाएंगे तो आपको 75 रुपये किराया देना होगा। तो पहली सेवा जनरल सेवा, दूसरी लोहिया ग्रामीण बस सेवा, और तीसरी सेवा जो है इसका नाम है महानगरीय बस सेवा। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली कौन सी? महानगरीय बस सेवा क्या है? देखो इसका नाम ही क्या है, महानगरी, यानी ये उत्तर प्रदेश के महानगरों में संचालित की जाती है। कहाँ संचालित की जाती है? महानगरों में। तो ध्यान देंगे यह उत्तर प्रदेश के 7 महानगरों में संचालित होती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के 7 महानगरों में। साथ ही एक हमारे यहाँ पर्यटक स्थल है। क्या है? एक पर्यटक स्थल है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है मथुरा। क्या नाम है? मथुरा। मथुरा में संचालित होती है। साथ ही यह एक औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा औद्योगिक क्षेत्र? इसका नाम है गाजियाबाद। क्या नाम है? गाजियाबाद, गाजियाबाद। तो ध्यान देंगे यह 7 महानगरों में चलाई जाती है। कहाँ कहाँ महानगरी बस सेवा? 7 महानगरों में चलती है। एक पर्यटक स्थल मथुरा में चलती है और एक औद्योगिक नगर गाजियाबाद, या इसको बोलते हैं गौतम बुद्ध नगर भी आप कह सकते हैं, गौतम बुद्ध नगर। यह कुल परीक्षा में आएगा कि जो महानगरी बस सेवा या कितने शहरों में चलती है। आप कहेंगे टोटल ये 9 शहरों में चलती है। 9 शहर कौन कौन से हैं? 7 महानगर जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, जो बड़े बड़े 7 महानगर हैं वहाँ चलती है। एक प्रयागराज है, प्रयागराज में भी चलती है। अगला जो हमारा एक पर्यटक स्थल है मथुरा, मथुरा में भी ये चलाई जाती है। और तीसरा कौन सा है? हमारा एक औद्योगिक शहर है जिसका नाम है गौतम बुद्ध नगर, वहाँ पर भी ये चलाई जाती है। तो ध्यान देंगे निगम द्वारा 3 तरह की बसें महत्वपूर्ण चलाई जाती हैं। कौन कौन सी? जनरत सेवा, लोहिया ग्रामीण सेवा। पहली जनरत सेवा, दूसरी लोहिया ग्रामीण सेवा, तीसरी महानगरी बस सेवा। जनरत सेवा पूर्णतः एसी बस सेवा है। कैसी बस सेवा है? एसी बस सेवा है। यह लखनऊ से अन्य जिला मुख्यालयों को जोड़ती है। क्या करती है? लखनऊ से अन्य जिला मुख्यालयों को जोड़ती है। लोहिया ग्रामीण बस सेवा पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाती है। इसका किराया भी सस्ता है। यह गाँव वालों को सस्ती और सुलभ सेवा देती है, सस्ती और सुलभ सेवा देती है। तीसरा महानगरीय बस सेवा, यह 7 महानगरों में चलती है, उत्तर प्रदेश के एक पर्यटक स्थल में चलती है और एक औद्योगिक नगर में चलाई जाती है। तो ये था महत्वपूर्ण चलाई जाने वाली बस सेवाएं। हमारे यहाँ 2 परियोजनाएं सड़कों को लेकर बहुत फेमस है, बहुत बार उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली
योजना कौन सी है? जमुना एक्सप्रेसवे। दूसरी कौन सी है? गंगा एक्सप्रेसवे। दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो चीज़ें हमको आसानी से याद होंगी। अब देखेंगे गंगा एक्सप्रेसवे पूर्णतः करंट का भी मुद्दा है, इससे करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यमुना एक्सप्रेसवे पूर्णतः थोड़ा पुराना हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव जी की महत्वाकांक्षी परियोजना है और गंगा एक्सप्रेसवे माननीय योगी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो ध्यान देंगे यमुना एक्सप्रेसवे 6 लेन मार्ग है। कैसा मार्ग है? 6 लेन। 6 लेन मतलब क्या होता है? इसमें एक साथ 6 गाड़ियाँ चल सकती हैं, एक साथ 6 गाड़ियां चल सकती हैं। यह पूर्णतः 6 लेन मार्ग है। यह ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। कहाँ तक है ये? ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा तक है। 165.53 किलोमीटर, लगभग 166 किलोमीटर दूरी को ये तय करता है। और यह सेवा कब से दे रहा, कब से चालू हुआ है? 9 अगस्त 2012 को। इसी पॉइंट को आप याद रखेंगे कि यमुना एक्सप्रेसवे कब चालू किया गया? 9 अगस्त 2012 को। फिर आएंगे हम गंगा एक्सप्रेसवे पर। तो गंगा एक्सप्रेसवे यह 8 लेन की सड़क है। कितने लेन की? 8 लेन की, यानी इसमें 8 गाड़ियां एक साथ चल सकती हैं। 8 लेन की है। 3600 करोड़ की लागत में ये बनेगा। कितने की लागत में? 3600 करोड़ की लागत में ये बनेगा। साथ ही 600 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगा। देखिए कहीं कहीं 600 किलोमीटर आएगा, कहीं कहीं 598 किलोमीटर आएगा, कहीं कहीं 602 किलोमीटर। तो आप मानेंगे लगभग ये 600 किलोमीटर लंबा इसका क्या है? मार्ग है। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 29 जून 2019 को, जब कुंभ मेला लगा था इलाहाबाद में, उसी समय इसकी घोषणा हुई थी। और यह मेरठ से इलाहाबाद तक है। कहाँ से कहाँ तक है? मेरठ से इलाहाबाद तक। ध्यान देंगे ये सड़क जो गंगा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, ये पूर्णतः प्रस्तावित है ग्रेटर नोएडा से लेकर के बलिया तक। कहाँ तक? ग्रेटर नोएडा से लेकर के बलिया तक। लेकिन इसका प्रथम चरण में जो निर्माण किया जा रहा है वो मेरठ से लेकर के इलाहाबाद यानी प्रयागराज तक किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का परिवहन था। एक खास बात आप और याद रखेंगे, जो हमारे यहाँ पूरे भारत को जोड़ने की एक परियोजना है, इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परिवहन परियोजना। उसमें जो चारों रास्ते हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में, कहाँ पर? बांदा जनपद में एक दूसरे को काटते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि सरकार की, माननीय अटल बिहारी की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी ये कि भारत के चारों हिस्सों को एक साथ जोड़ देने की, तो वो परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सड़कें एक दूसरे को काटती हैं? तो आप कहेंगे बांदा जनपद में। तो ये आप देखेंगे, मैंने आपका परिचय करवाया उत्तर प्रदेश के सड़क परिवहन से। किस परिवहन से? सड़क परिवहन से। सारी बातें आपको एक साथ मिली हैं, आप इसको कॉपी में नोट करिएगा, साथ ही जरूर पढ़िएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने ये जो टॉपिक आपको अंतिम परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसी के साथ आज क्लास को मैं अंत करूँगा। अगले क्रम में, अगली कक्षा लेकर मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।